तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th के सेकेंड वॉल्यूम केमिस्ट्री का, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो लेकिन हेलोइडिंग टॉपिक का एग्जांपल नंबर 10.4 के बारे में, जिसमें सवाल जो है कन्वर्जन पर दिया गया है। यहाँ पर कुछ एल्कीन्स दिए गए हैं आप लोगों को और एल्कीन्स का रिएक्शन हेलोजन एसिड से करवाना है, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ भी हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, इनसे करवाना है। ठीक है, तो इन एल्कीन्स का रिएक्शन जब होता है हेलोजन एसिड जब करवाया जाता है, तो यहां पर कुछ रूल्स को ध्यान रखने होते हैं। यहां पर दो रूल आते हैं, MR यानी मार्कोवनिकोप्स रूल आता है और दूसरा AMR आता है, एंटी मार्कोवनिकोप्स रूल आता है। मार्कोवनिकोप्स रूल क्या होता है कि जिसमें कि जैसे सिंपल सी बात है, यहां पर कि ये अल्काइल ग्रुप है, ये इसमें इंडक्टिव इफेक्ट हमारा होगा, तो खैर यहां पर क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप कारण से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, और इसमें क्या होगा कि इसका मैकेनिज्म यहां पर ये ड्रॉ होता है कि यहां पर ये हमारा बॉन्ड जो है अगले कार्बन पर जाकर शिफ्ट करेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिंपल सी बात यहां पर ये है कि ये जो टूटेगा ये एच प्लस देगा और ये बी आर माइनस, तो ये हमारा बी आर यहां जाके टच करेगा और एच प्लस यहां टच करेगा करके, मतलब कि यहां पर बी आर जो है हमारे पास उस कार्बन पर जा रहा है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, मतलब कम संख्या में हाइड्रोजन है, यानी कि एम आर कहता है। एम आर सिंपल सी बात है, जहां कोई कैटलिस्ट ना रहे वहां एम आर लगेगा, और जहां पर आपको पेरोक्साइड कैटलिस्ट दिया हुआ रहे वहां पर एंटी मार्कोवनिकोप्स रूल लगेगा, ए एम आर। और यहां पर जो रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर होता है, मतलब यहां पर बॉन्ड्स में होमोलाइटिक फ्यूजन होते हैं, इन दोनों केस में बॉन्ड्स में हेटरोलाइटिक फ्यूजन होगा। एम आर का कहना यहां पर यह है कि हेलोजन एसिड का जब भी रिएक्शन एल्कीन के साथ में होगा, तो उससे हेलोजन एटम उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। जैसे यहां पर एल्कीन के दोनों बगल में देखें, यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर है ना। तो यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा और हेलोजन एटम जुड़ेगा जाकर के उस कार्बन से जहां पर कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ये है एमआर का स्टेटमेंट। और जहां एएमआर रूल लगता है वहां का स्टेटमेंट ये है कि जब एक एल्कीन का रिएक्शन जो है हेलोजन एसिड से करवाया जाएगा पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं, तो उस कैटलिस्ट के प्रेजेंस जब रिएक्शन होगा तो हेलोजन एटम उस कार्बन से आके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड की दोनों साइड वाले कार्बन में से वो उस कार्बन जाके जुड़ेगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर देखिए, तो ये हमारा बी आर जाके जुड़ेगा कहां पर, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर दो हाइड्रोजन है, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पर है, इस जगह पर है, तो ये बी आर यहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन अपोजिट में जुड़ेगा। सिंपल सी बात है, यानी जब भी एल्कीन का रिएक्शन आप हेलोजन एसिड देखिएगा तो सिंपल आपको देखना है कि कोई कैटलिस्ट है, पेरोक्साइड है तो वहां ए एम आर लगेगा, नहीं है तो वहां मार्कोवनिकोप्स रूल एम आर लगेगा। और एम आर लगेगा तो एम आर क्या कहता है, एम आर कहता है कि हेलोजन एटम को जाके जोड़ो कहां पर, जहां पर कि उस कार्बन से जिसके पास में ग्रेटर नंबर सॉरी लेसर नंबर में हाइड्रोजन हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर होगा उस कार्बन जाके जोड़ो हेलोजन को। और एएमआर कहता है, जो कि पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में काम करता है ना, ये कहता है कि हेलोजन को उस कार्बन जाके जोड़ोगे जिस कार्बन पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां जाके जोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, इन मेथड्स को ध्यान रखते हुए हम लोग काम करते हैं। तो बॉन्ड स्प्लिट करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, ब्रोमीन जोड़ेंगे, यहां पर कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे उसके अपोजिट वाले पर, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा कुछ इस तरह से। ये बेंजीन रिंग हो गया, ये हमारा बेंजीन हो गया, यहां से जो ये कार्बन हमारे पास में, यहां पर दो हाइड्रोजन पहले था, अब एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां पर एक हाइड्रोजन पहले था, यहां जुड़ गया कौन, ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहां पर ये जो प्रोडक्ट बनता है वो एडिशन प्रोडक्ट होता है, मतलब कंप्लीटली ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, यहां पर भी एमआर लगेगा, कोई कैटलिस्ट नहीं है इसीलिए, पेरोक्साइड नहीं है इसीलिए एमआर लगेगा, और यहां पर भी सीएल जाके जुड़ेगा कुछ किस कार्बन से, जहां पर कि हाइड्रोजन कम है ये यहां पर जुड़ेगा और एच यहां पर जुड़ेगा, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा CH3CH2, CH से यहां पर CL जुड़ेगा, ये CL जुड़ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 हो गया। ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन यहाँ बन गया। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर पेरोक्साइड कैटलिस्ट है तो हेलोजन जुड़ेगा ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन से, मतलब यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा अपोजिट में, तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट
ये बेंजीन हो गया, यहां से सी एच टू, यहां पर सी एच टू हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, सी एच टू से कौन जुड़ गया यहां पर बी आर जुड़ गया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी एल्किन का रिएक्शन आपको हेलोजन एसिड से करवाना होगा तो वहां पर आप एम आर और ए एम आर फॉलो करोगे, अगर पेरोक्साइड है तो ए एम आर फॉलो करना है, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो एम आर फॉलो करना है, और फॉलो करते हुए हम लोग जो है रिएक्शन करवाएंगे। दैट मीन्स कि अगर आपको एल्किन्स, अगर आपको एल्किन्स के साइड वाले पोर्शन, मतलब कि साइड वाले पोर्शन मतलब ये हो गया कि सबसे साइड वाला पोर्शन पर अगर आपको हेलोजन चाहिए, यानी कि वन हेलो चाहिए समथिंग, तो आप ए एम आर यूज करो, और टू हेलो चाहिए, टू पर देखिए यहां क्लोरो जुड़ा है, टू हेलो चाहिए मतलब कि एल्किन्स के इनर साइड में अगर आपको हेलोजन चाहिए तो वहां पर आप एम आर का यूज करोगे। ए एम आर लगता है जब वन हेलो चाहिए होता है, और एम आर कब लगता है जब टू हेलो चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें ब्यूटीन, टू टू क्लोरो ब्यूटीन बनाना है तो टू पर चाहिए तो एम आर लगा देंगे, और कहे ब्यूटीन टू वन क्लोरो ब्यूटेन हमको चाहिए तो वहां पर डेफिनेटली क्या है कि ए एम आर लगा देंगे पेरोक्साइड डाल करके, तो वहां पर वन क्लोरो ब्यूटेन मिल जाएगा, वन क्लोरो ब्यूटेन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यहां पर यही रहती है कि कुल मिलाकर के हम लोग बात समझ गए कि जब भी एल्किन का रिएक्शन हेलोजन एसिड से करवाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर एम आर और ए एम आर रूल को फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर एनसीईआरटी का ऐसे ही रेगुलर आप न्यूमेरिकल चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले से वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑर्गेनिक रिवीजन वाला चीज है, रिवाइज करते रहें, जितना प्रैक्टिस करिएगा ऑर्गेनिक उतना आपका बेहतर बनते जाएगा। ऑर्गेनिक ब्रिलियंसी तो खोजता ही खोजता है, साथ ही साथ ये प्रैक्टिस खोजता है, रिवीजन खोजता है। हर दिन आप स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक को रिवाइज करें, मेरी यही बस सलाह है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।